स्वागत करिए अपनी बच्चे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव जम्मू कश्मीर का प्रभारी आदरणीय सांसद श्रीमती रजनी पाटिल जी उपस्थित है जे आज प्रेस वार्ता ने संबोधित श्रीमती रजनी पाटिल जी प्रदेश कांग्रेस समिति तरफ थी गुजरात कांग्रेस तरफ थी हृदय की स्वागत करिए हम विनती करी कि अगर के मुद्दा ऊपर समग्र देश में मुद्दा ऊपर चर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रही है तो मुद्दा ऊपर सांसद श्री ने रिक्वेस्ट करी कि पत्रकार मित्रों ने संबोधित राज्यसभा में पारित हुआ और उसके पहले एक दिन लोकसभा में पारित हुआ तो उसके लिए मैं यहां पर बात करना चाहती हूं। मैं खुद उस आरक्षण के माध्यम से यहां तक आई हूं। यहां तक आने का फैसला 30 साल का था और पहली बार 92 में जब राहुल गांधी राजीव गांधी जी ने जब महिला आरक्षण का पंचायत राज का विधेयक 73rd and 74th अमेंडमेंट पारित किया था उसमें हमें रिजर्वेशन मिला और जिला परिषद से यहां तक धीरे धीरे लोकसभा राज्यसभा ऐसे करके मैं सीढ़ियां पार कर किया गया। कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, कमिटेड है आरक्षण के लिए और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सबसे पहले अगर महिलाओं को आरक्षण देने का काम किसने किया है तो हमारे जो अध्यक्षा थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने पहली बार लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे पहले बिफोर द फ्रीडम मूवमेंट विकॉट फ्रीडम, तो वहां पर उन्होंने बोला था कि महिलाओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पहल से हमें अपना वोटिंग का राइट मिला स्वातंत्र मिलने के साथ। जो हमारी घटना बनी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उस पर हमें अपना खुद का अधिकार दिया गया जिसमें वोटिंग के लिए हमें अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे देशों में अब तक चल रहा था कि वोटिंग का भी राइट महिलाओं को नहीं था लेकिन वोटिंग का राइट हमें मिल गया। मेरा आरक्षण विधेयक का सही मायने में जो प्रभाव शुरू हुआ वो राजीव गांधी जी की पहल से शुरू हुआ। जब राजीव जी राजनीति में सक्रिय होकर प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सोचा कि इस देश की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उन महिलाओं को हमने हमारे साथ में लेना चाहिए कंधे से कंधा मिला के। उनको ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, पॉलिटिकल जो जिसको बोलते हैं हम स्काई क्या है, इसे घर में बैठ के वो देखती है लेकिन उनको सही वायरिंग को दिखाना जरूरी है और इसलिए राजीव जी ने वो अधिनियम लाने की 1989 में कोशिश की। मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहती हूं कि जब ये बिल पेश किया गया तो राज्यसभा में लोकसभा में तो पारित हो गया क्योंकि हमारा बहुमत था लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 7 वोटों से वो बिल पारित नहीं हो गया, गिर गया। और किसने किसके विरोध में किसने किसने वोट किया तो आपको आश्चर्य होगा, लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिंह और राम जेठमलानी, इन 4 लोगों के साथ में से थे जिन्होंने इस बिल के विरोध में वोट किया था। उसके बाद में 1992 में जब विभिन्न सेवा प्रधानमंत्री बने विभिन्न सेवा में फिर ये बिल लागू करने की कोशिश की, लाने की कोशिश की और तब उनके कार्यकाल में पंचायत राज का 73rd and 74th अमेंडमेंट हो गया जिसके तहत हमारी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलने का प्रावधान मंजूर हो गया। और आप सब देखते होंगे चाहे पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, सब जगह महिलाएं 33% में आने लगी। तब ये मुद्दा भी उठाया गया
कि महिलाएं आ रही है लेकिन उनको कुछ समस्या भी है क्या? मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे उनके आई थी, मुझे पूछे थे पत्रकार मिस्टर सरपंच करके एक फ्रेज आई थी, मिस्टर सरपंच ही काम करेंगे, मिस्टर सरपंच चले जो सरपंच पत्नी बनेगी उसका हस्बैंड जो करेगा वही वो काम होगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। धीरे धीरे वो महिलाएं समझने लगी बातों को, आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे सामने रखना है, और वो महिलाओं के प्रयत्न से हमारा 33% का महाराष्ट्र में कम से कम मेरे 2-4 स्टेटों में 50% का आरक्षण मिला है। वो स्टेट ऐसे कि जिन्होंने 50% तक आरक्षण दिया है। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और उस सरकार में उसके पहले 1989-92 के बाद में 96 में फिर एक बार महिला आरक्षण बिल सामने आया था, तब हमारे देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे और तब ये जब बिल आया तब भी वो पारित नहीं हो पाया। महिला आरक्षण का बिल प्रथम बार लोकसभा और विधानसभा में देने का आरक्षण का बिल पहली बार 1996 में आया, वो संयोग था कि तब भी मैं लोकसभा में थी और तभी जब बिलाया तो अनिल पांडे का काम वहां नेत्री बीजेपी के एक नेत्री ने किया और वो बिल गीता मुखर्जी के चेयरमैनशिप के नीचे भेज दिया गया और वो बिल तब तक चलते ही आ रहा है और फिर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो सोनिया जी की पहल से 2010 में वो बिल पारित हो गया राज्यसभा में और महिला आरक्षण विधेयक पारित करके सोनिया जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम यहां पर बढ़ाया। दुर्भाग्य से लोकसभा में फिर भी वो पारित नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी नहीं, लोकसभा में रखा गया, राज्यसभा में तो हो गया। तो फिर उसके बाद से गवर्नमेंट चेंज हुआ 1914 में और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के टाइम पे जब ये गवर्नमेंट आई तो हमें सबको महिलाओं को ये लगा था कि गुजरात मॉडल का इतना दंगा फिटते हैं वो जरूर हमें लागू करेंगे, हमारे महिलाओं को न्याय देंगे क्योंकि हमेशा वो बोलते थे कि हम महिलाओं के लिए देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 9 साल हो गए तब से आज तक परसों तक ये बिल नहीं ला पाए। उसके दरमियान 2016 में हमारे नेता और सोनिया गांधी ने उनको 2 बार लेकर देखा पर बताया कि अगर आप ये आरक्षण बिल लाना चाहते हैं तो चाहे हम विरोधी पार्टी में हो लेकिन हम विदाउट अनकंडीशनल आपको सपोर्ट करेंगे, आप ये बिल लाइए और पारित करिए महिलाओं के लिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद में राहुल गांधी जी ने भी 2018 में जुलाई में एक लेटर लिखा कि मोदी जी ये बिल लाइए हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य से बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद उनकी अगर 9 साल प्रतीक्षा करने के बाद अभी जब चुनाव सामने दिख रहे हैं और पूरे हिन्दुस्तान में जब उनको लग रहा है कि हम मारे जा रहे हैं तो ये महिलाओं का कार्ड प्ले करने का काम मोदी जी ने किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कांग्रेस का बहुमत था कांग्रेस ने जो करना था वो कर लिया अपना अपने कार्यकाल में, लेकिन मोदी जी ने 9 साल में ये बिल नहीं लाते हुए एक बहुत बड़ी नाइंसाफी महिलाओं के साथ की है और वैसे भी नाइंसाफी करने के लिए वो पहली बात नहीं है। मैं यहां पे आपको बताऊं कि जब ये बिल पारित हो रहा था तो पार्लियामेंट क्या नया उद्घाटन हुआ था, 2-3 दिन से मैं देख रही थी हमारे सब बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस मुंबई से आई हुई वहां पे चहल पहल कर रही है, आ रही है जा रही है, सबके फोटो हो रहे हैं। तो मैंने पूछा कुछ लोगों को बीजेपी के लोगों को क्या चल रहा है, अनुराग ठाकुर उनको मिठाई खिला रहे हैं, तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में आने के इन महिलाओं को लाने का क्या मतलब है इसका, अगर आप लाना चाहते थे तो सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू को लाना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति के नीचे लोकसभा एंड राज्यसभा के जो आते हैं पार्लियामेंट का जो 34 आर्टिकल उसमें उन्होंने लिखा है कौन इज पार्लियामेंट, उन्होंने हमें पार्लियामेंट की कॉपी दी थी, मैंने राज्यसभा में बताया उनको कि उन्होंने बताया था, मैं उसको पढ़ के देखते निकालना चाहती हूँ आपको। पार्लियामेंट शैल बी देर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा।
अगर लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर अगर राष्ट्रपति के अधिपत्य में आपको गवर्नमेंट आपकी पार्लियामेंट आती है तो उस पार्लियामेंट का ना भूमि पूजन कर लेते हैं, उनको बुलाया गया जो आप बोलते हैं इतना डंडोरा पीट के कि हमारी आदिवासी महिला को हमने कर दिया है, उनको नहीं बुलाया। परसों भी जब इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, जब इतने बड़े बड़े भाषण दिए गए दो दिन, तब भी उनको नहीं बुलाया। अगर उनको बुलाते थे तो हम मान जाते थे कि उनके दिल में सही में सच्चाई है। दूसरी दो बातें मैं कहना चाहती हूँ, जब बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को बोला इसका हमें कोई गैर उससे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को लाके उनको शोकेसिंग करना एक बात है, लेकिन जो हमारे महिला परिवार जहां पे जंतर मंतर पे जब बैठी है अपने हक मांगने के लिए, शोषण करने वाला है विभूषण जो बीजेपी का एमपी है लोकसभा में बैठा है, उनको कुछ छूते नहीं है, लेकिन हमारे महिला परिवार को घसीट के लेके जाते हैं और उनको न्याय नहीं दे पाते, ये उनकी महिला नीति। हमारे यहाँ पे संसद में जब बिल्किस बालो का किस्सा निकला था यहाँ के आपके गुजरात के, तो बिल्किस बालो को तो आपने उनके जो आरोपी थे उनको तो पहले छोड़ दिया एक साथ, और इतना ही नहीं तो बीजेपी के लोगों ने उनको गौरवान्वित किया, उनका सम्मान किया। ये कहा कि नीति आपकी महिलाओं को न्याय देने की। एक जगह पे बोलते हैं महिला पूजना करते हैं वंदना करते हैं, हमारा एक ही कहना है कि हमारा वंदना भी मत करो पूजना भी मत करो, लेकिन हमें जैसे ह्यूमन बींग सेम ट्रीटमेंट हमें देने की कोशिश करो। इतना ही हम कहना चाहते हैं। दो तीन चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको आपकी नॉलेज में लाना चाहती हूँ कि ये जो बिल हमने पारित किया है, हमने उन्होंने ये रीजन लिखा था ऐसे कि वैसे पारित करो, ऐसे तुमने पारित तो कर दिया है क्योंकि हम महिलाओं के पक्ष में है, हमारी पार्टी महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन जातीय गणना के आधार पर जो मुद्दा हम सब उठा रहे हैं कि 40% ओबीसी जब रहते हैं हमारे देश में तो ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग से प्रावधान होना चाहिए और वो ये बिल में शामिल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात एससी एसटी उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन वो कुछ उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है और उन्होंने उल्टा ये बोला है कि आफ्टर डिलिमिटेशन परिसीमन के बाद में और आफ्टर सेंसस के बाद में हम ये बिल लागू करेंगे। हम पूछना चाहते हैं इसका मतलब क्या होता है। सेंसस अगर करेंगे 2011 का सेंसस आप लागू करिए, अगर वो नहीं चला वो करें तो तुरंत सेंसस कर दीजिएगा, लेकिन सेंसस नहीं करेंगे आप जब परिसीमन नहीं करेंगे और बिल पास किया करके सबको शाबाशी खुद को शाबाशी लेके बैठेंगे, ये कहां का न्याय है, ये मुझे समझ में नहीं आने वाला। लेकिन हमें जाति गणना की मुद्दा जो था यूपीए सरकार में पहली बार 2011-12 में हमने जाति गणना की थी, इसके अलावा मोदी सरकार ने भी जैसे बिहार जैसे राज्यों में जो जातीय गणना हुई थी वो जातीय गणना को रोक दिया गया था, रोक लगाया। हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं जो जातीय गणना हुई थी उसको डिस्क्लोज करें, वो बताएं कि कितने कास्ट के कितने लोग हैं और उसके अनुसार हमारे महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश करें। रायपुर में बीच में हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, उसमें दशकीय जनगणना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक और जाति गणना के लिए प्रतिबद्धता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जताई है और उसके अनुसार हमने 3 कदम उठाए हैं कि 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दें और ओबीसी कितने हैं ये बताएं, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण की जो कैप है 50% वो हटा के बढ़ा दी जाए, और तीसरा दलित और आदिवासियों की आबादी के अनुसार जिनकी आबादी उनको हक मिलना चाहिए। अगर हमारी महिलाओं की आधी आबादी है हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए, पूरा हक मिलना चाहिए, आधी आबादी पूरा हक, ये हमारा स्लोगन है। जब महिला आरक्षण की बात के लिए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख के उन्होंने मांग की है कि जाति गणना जल्दी से करवाइए। महिला अत्याचारों के मामले में जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल चुप बैठी है। जो जघन्य अपराध हो रहे हैं महिलाओं के, चाहे वो कछुआ 2018 का जो बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाया था और 8 दिन लगातार उस लड़की को 8 साल की बच्ची को जो मुस्लिम कम्युनिटी की थी गुजर अग्रवाल उसके ऊपर लगातार उसको रेप किया गया था उसके बारे में उन्होंने जब कुछ नहीं बोला। 2019 में उनके तत्कालीन उन्नाव के विधायक है जो कुलदीप सिंह सेंगर ने भी उसका भी नाम बलात्कार और हत्या के मामले में आया, उनके लिए भी कुछ नहीं मिला बोला गया। और हाथरस में आप सब जानते हैं हाथरस में एक लड़की को जिंदा जलाया गया, दलित लड़की की,
और 19 साल की लड़की और रात को 2:30 बजे उनके पेरेंट्स को नहीं पूछते हुए उनको जलाया गया था। आप बोलते हैं एक जगह और करते हैं दूसरी बात, ये कहां का न्याय है? आप महिलाओं की बात करते लेकिन महिलाओं को न्याय नहीं देते, महिलाओं के लिए बोलते हैं लेकिन महिलाओं के लिए करते नहीं है। तो ये लिपस्टिक पति जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपका पूरा हक दे दो और वो हम मिलवा के रहेंगे हम। और वही बताने के लिए आज हिन्दुस्तान की 21 स्टेटों में हमारी 21 महिला भगिनी सर्वे में जा रही है, चाहे मुंबई हो आपके यहाँ की जो है हमारी भगिनी वो मुंबई जा रही है या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा इसमें क्या व्यवहार रहेगा, हमारी मांगे क्या है और हमारी भूमिका क्या रही इस पूरे महिला आरक्षण के बारे में। तो यही कहने के लिए मैं आपके पास मौजूद हुई। आप अगर कुछ इसको पूछना चाहते हैं तो मैं मोर्चा 2021 तक ये बिल पास होने वाला थी, सभी ने इसको क्या ढिंगना मारकर किस तरह मांग रहे हैं। दूसरा, गुजरात के अंदर 26 लोकसभा की सीट है, तो यहाँ लोकसभा की सीट पे इस बार कांग्रेस किस तरह का सीटों का उनको 33% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी महिलाओं को? देखिए दो प्रश्न है आपके। एक तो 2019 का हम जो बोल रहे हैं बिरबल की खिचड़ी पकड़ी है, ये कहानी आपने सुन रही होगी। तो वैसे अगर ये कितने साल 29 भी हमें लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर ये 40-45 तक भी हो जाएगा ना तो शुक्र है, क्योंकि ये नहीं होने वाला जल्दी। ये सिर्फ झुंझुला है, आप बोल रहे हो सिर्फ झुंझुला है हमें दिखाने के लिए, महिलाओं को हमेशा इसे झुंझुला दिखता है। और दूसरी बात, गुजरात के लिए आप बोल रहे हैं, गुजरात पे या कहीं किसी भी हिन्दुस्तान की जगह में अगर लोकसभा के लिए महिलाओं को सीट देनी है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड ये समान होना चाहिए। सुनिए ना, तो हमारे लेवल प्लेइंग ग्राउंड अगर समान नहीं है, अगर मैं लड़ूंगी वहां से कोई दबाऊ आदमी लड़ेगा तो फिर मैं किसी चीज को अजीत पाऊंगी। तो हमारे सामने तो हमारी बहन लड़ेगी, लेवल प्लेइंग ग्राउंड हमारा समान रहेगा। और महिलाओं एबीसी के बारे में तो हम मांग ही कर रहे हैं कि उसको आप बताओ कि कितने परसेंट आपके यहाँ कितना जाति का कौन है और उसके अनुसार आप प्रतिनिधित्व। अटल बिहारी वाजपेयी जी सर 1998 से 2004 तक तो उन्होंने भी कोशिश की थी, कांग्रेस ने लोकसभा में समर्थन किया फिर उसके बाद समर्थन नहीं किया, तो क्रेडिट तो वाजपेयी को भी जाती है। हम वाजपेयी का कहा नहीं, उन्होंने भी कोशिश की थी, वाजपेयी जी ने भी कोशिश की थी लेकिन किसी ने भी नहीं किया। यही तो मैं बोलती हूँ कि खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग है। वाजपेयी जी ने जब पहली बार आया था बिल तो उन्होंने विरोध, जब राहुल राजू जी थी तब उन्होंने विरोध में मतदान किया था, तब वो बिल पारित नहीं हो पाया 1989 में। विरोध किया था 1989 में जब होती हुआ था तो उन्होंने विरोध किया था। मैडम ये बिल 2019 की बात ना होगा लेकिन कांग्रेस पार्टी अगले जो चुनाव है 2024 को उसमें महिलाओं को कितना देगी? मतलब पार्टी तो डिसीजन ले सकती है ना? पार्टी बिल्कुल डिसीजन देती है। मैंने वही बोला, मैंने वही बोला कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा करने का होता है। मैं आपको एक बताऊं, आपके गुजरात में आज तक 1985 से 2017 तक अगर कांग्रेस ने कैंडिडेट महिला कैंडिडेट लिए 97 और बीजेपी ने लिए है 76। इसमें आप समझ जाइए कि हमारे तो ज्यादा ही रहते हैं, हमारे यहां हमेशा महिलाओं को ज्यादा देने के लिए तुले हैं। आप ज्यादा देते हो लेकिन 2024 में 50% के हिसाब से पार्टी तो फैला दे सकती है। 30% कल पीएम गुजरात से बोले कहा गया और यहाँ पर वो खुद महिलाओं के लिए बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है और माना जा रहा है क्रेडिट दी जा रही है भाजपा की, भाजपा की सरकार ने भाजपा ने बिल लाया है और पहली बार गुजरात में वो बिल के बाद आ रहे हैं। देखिए मैंने जो वैसे बताया आपके जो हमारे पीएम है प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्रेट इवेंट मैनेजर, कुछ भी बात होती है तो बहुत बड़ा इवेंट करते हैं। पार्लियामेंट में अगर आप आते और देखा होता तो सब यहाँ पे ढोल बाजे सब महिलाएं यहाँ पे भरे भरे लोगों दिन भर महिलाएं, मैंने बोला ये महिलाएं कहाँ से आई? तो ये महिलाएं बस नगर के लाई थी, उनको वहां बिठाया गया था। और फिर दूसरी बात ये है कि ये सब मैंने जब जैसे बोला कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को बुलाने का क्या दुख है, उनको क्यों बुलाया आपने? अगर आपको बुलाना था तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाना था, उनके हाथ से उसका उद्घाटन करना चाहिए था। अगर आपको बुलाना था तो हमारे महिलाओं को साक्षी मलिक को बुलाना चाहिए था, उनको किसी को नहीं बुलाया।
हमारे किसान जितने मरे हैं वो किसान मजदूर जो किसान कानून पास होने के लिए जो हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे थे उनके घर से किसी को बुलाना चाहिएगा, लेकिन उनको किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ महिला जो बॉलीवुड अभिनेत्री है उनको इमेज बनाना चाहते थे, वो पत्रकारों को उनको दिखाना चाहते कि देखो सब एलिट क्लास मेरे साथ है, लेकिन लोग बहुत समझदार हो गए, लोगों को पता है कि किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। लगता है कि 2024 में पॉलिटिकल एज मतलब इससे फायदा होगा बीजेपी को, महिला वोटर ज्यादा उनके साथ जुड़ेंगे? तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि लोग बहुत होशियार हो गए हैं और खासकर जो महिलाएं, अगर आपको लगता है कि महिलाओं को समझदार है तो महिलाओं को मालूम है आने वाला 10 साल आगे का चेक हमें आज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको हमने चेक किया है, कुछ चेक नहीं अभी तो बढ़ने वाला नहीं है, लोगों को समझता है। यहाँ गुजरात की जो नगर पालिका है नगर निगम, यहाँ पे 50% का ऑलरेडी महिलाओं को यहाँ पे बीजेपी सरकार ने भी रखा है, लेकिन वो बिल जो आप बोल रहे हैं नगर पालिका का, वही तो मैं बोल रही हूँ, वो पहले बार राजीव गांधी ने दिया था पास करके, उसके अनुसार हम सब आए राजनीति में, बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आए नहीं होगी तो बीजेपी ने फिर कोई लागू कर रखा होगा। मेरी बेटी उत्तर प्रदेश में जब भी ऐसा भी थी तब प्रियंका गांधी ने बोला था कि 50% दिया था महिलाओं को टिकट देनी चाहिए, वही का गुजरात के आधा महीने से बहुत उसका आइडिया, उनकी कोशिश तो वही रहेगी और हम उसके लिए उनके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सिर्फ कांग्रेस ने 50% देना और बाकी सब जगहों में नहीं देना, तो उसमें थोड़ा सा जो महिलाओं को दे रहे हैं उनके साथ भी अन्याय होगा, नाम के लिए नहीं देना चाहते, जीतने के लिए देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मेरा नाम उत्तर प्रदेश के जाम बहुत दोस्त नमस्कार, प्रथम हमारी साथ उपस्थित हमने प्रेस वार्ता में संबोधन कर रहे होगा रवनी राय पाटिल जी उपस्थित, पाटिल राज राय कामिनी बेन उपस्थित, बता दू प्रेस मीडिया मित्रों, आम तो मैडम बधी ज बात करी पर गुजराती का आने एक सौथी मोटी आपेली गुजरातनी अने तमाम देशनी महिलाओं ने आपेली एक लॉलीपॉप जणावा माटे अहीं हूं उपस्थित थई छूं आपनी वच्चे, कारण के जे 15 लाख अकाउंट में आवशे 15 लाख हरवाथी एना पछी 2 करोड़ रोजगारी मळशे, ए रोजगारी उपलब्ध थई नहीं, जे पण अत्यार सुधीना वायदाओ कर्या भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारे एना पछी पूर्ण न थया, आ वक्त 2019 में जो चूंटणी लड़ाई देश लेवल की एम क्या हिन्दुत्व कार्ड पर प्ले करने मुद्दों थो चूंटणी जीती ने उपर भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में सरकार बनी, पर 2022 24 इलेक्शन आई गया है तरह इंडिया नाम गठबंधन जय बनवा जा रू तरह क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भय उभो आखाए देश की जनताए नकारी काढ़ा जे नारी वंदना बिल आप एक प्रश्न पूछो कि आवतीकाले प्रधानमंत्री जय गुजरात में आ गया तो नारी सम्मेलन ने संबोधित करवा गया तो तरह आपना मध्यम थी आज हूं महिलाओं ने कहवा मांगू छू कि आ जे महिला आरक्षण नो मुद्दो है, जे नारी वंदना बिल नो मुद्दो है, नारी वंदना एक रूपकड़ू नाम जेना प्रख्यात भारतीय जनता पार्टी से नवा नवा रूपकड़ा नामों एना हमें कोईपण महिलाओं भ्रमाई नहीं जाए, कारण के रूपकड़ा नाम आपे पर पत्नी ने कर्मी में जयरे जयरे फरक हो तरह गुजरात में आटला बढ़ा रोजना 5 थी दीकरी महिलाओं पर जय बलात्कार थायना संबोधन करने आज सुधी याद रखे जे जे बलात्कारों जे घटनाओं महिलाओं पर थी त्या सुधी कोईपण सरकार महिला धारासभ्य महिला मंत्री के महिला सांसद सभ्य आग आई स्टेटमेंट जारी नहीं कर आ हजी तो थवानुं छे क्यारे थवानुं छे ए पण कई चर्चा नहीं एमनी कोई डेडलाइन पण नहीं अने महिलाओं मतनुं राजकारण आवनारी चूंटणीओ माटे करे छे तो आवनारी चूंटणीओमां महिला अने गुजरात अने देशनी जनता आ वखते कोईपण आवा बदकरा के लॉलीपॉपथी नहीं भरमाय एवुं आपना माध्यमथी जनताने हुं जणावा मांगु छुं साथे उपस्थित तमाम प्रेस मीडियाना मित्रोनो अंतःकरणथी आभार व्यक्त करुं छुं। एक लास्ट मुद्दा मैं बताना चाहती हूँ आपको, जैसे आपने अभी उपस्थित किया तो मुझे याद आया कि कल आपके यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसे मुझे बताया अगर कल आ रहे हैं और गुजरात के अपने स्टेट में आकर वो प्रेस से जाकर संबोधित करते होंगे, जबकि मैंने तो कभी उनको प्रेस की वार्ता करते हैं हमने देखा नहीं उनको प्रेस वार्ता करते, अगर उन्होंने संबोधित करने का धैर्य दिखाया कल तो उनको ये जरूर पूछना कि हर रोज 5 महिलाओं का रेप हो जाता है यहाँ पे गुजरात में, उसके लिए क्या है, हर रोज 4 लड़कियां गायब हो जाते हैं, उसके लिए उनका क्या जवाब है, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से वो शुरुआत करें महिलाओं को जवाब सुनते हैं। धन्यवाद।